हेलो एवरीवन। सो अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप का कुछ क्वासिलिनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो अलग टाइप का हमारा मेथड है वो देखते हैं किस तरह से हम लोग करते हैं। ओके तो अब सवाल ये भी है कि आपको ये कैसे पता लगेगा कि एग्जैक्टली हमको कौन सा मेथड, कौन सा टाइप यूज़ करना है। तो उसके लिए एक ही बात इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं इस पर। कम से कम आपको 10 to 20 क्वेश्चंस के एक एक टाइप के आपको सिंप्लीफाई करने चाहिए, जिससे यू विल गेट अ कंप्लीट आइडिया कि किस तरह से हम किधर हमें मल्टीप्लायर मेथड यूज़ करना है और किस तरफ हमें सब्सिट्यूशन मेथड बेसिकली यूज़ करना है, क्योंकि दो ही पॉपुलर इसमें मेथड रहेंगे जिसमें क्वेश्चन का टाइप डिफरेंट हो सकता है। अदरवाइज जो सिंपल है वो तो ईजिली दिख जाएगा, जब आपके वेरिएबल्स अलग अलग आपको दिखाई पड़ेंगे तो आप एक एक दो दो फ्रैक्शन का यूज़ करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन है। किस तरह से डिफरेंट है वो आपको दिखेगा, दैट इज़ dx अपॉन, तो अगेन क्वासिलिनियर है तो हम लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो dx अपॉन y प्लस जेड और dy अपॉन z प्लस एक्स इक्वल टू dz अपॉन x प्लस y। फिर से मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले ये ऑब्जर्व करूँगा कि आखिर ये समेशन जो सम में हमने जो वेरिएबल्स को लिखा है वो किस तरह से हमें दिख रहे हैं, तो z प्लस एक्स और x प्लस वाई। अब आप देखिए, क्योंकि y आपको यहाँ भी दिख रहा है, y आपको यहाँ भी दिख रहा है और z आपको यहाँ भी दिख रहा है, x दिख रहा है, इसका मतलब वेरिएबल में किसी में पावर का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एक्सपोनेंट नहीं यूज़ हुआ है। ओके फिर इसके बाद क्या देखेंगे कि अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मेरा z कैंसिल हो जाता है। अगर मैं मान लीजिए कि y प्लस जेड माइनस जेड माइनस एक्स, तो x सॉरी z और z कैंसिल हो जाएगा, y माइनस एक्स बचेगा। लेकिन हमें थर्ड एक्सप्रेशन से y माइनस एक्स तो मिल नहीं रहा है, तो अब आप देखिए इन दोनों को माइनस किया हमने, y माइनस एक्स आया, इन दोनों को माइनस किया तो हमारा क्या आया, y माइनस जेड। इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल x और z में जा रहे हैं और y और z में जा रहे हैं, ये इसका सिंपल मीनिंग है। तो हम क्या करेंगे कि जो कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे वो इस तरह से यूज़ करेंगे, तो हमने लिया dx माइनस dy, तो जब हमने dx माइनस dy लिया तो सेम चीज़ हम डिनोमिनेटर में भी अप्लाई करेंगे, तो z z कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारा क्या बचेगा y माइनस x। जब y माइनस x बचेगा तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस टाइम्स x माइनस y। ओके इन इस सिमिलर वे dy और dz में कॉम्बिनेशन लेंगे, तो dy माइनस dz किया तो z और z तो कैंसिल होगा नहीं, x विल कैंसिल्ड आउट, x जब कैंसिल हो जाएगा z माइनस वाई बचेगा, बट माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा y माइनस जेड आ जाएगा। तो एक तो आपके पास देखिए ये मिल गया, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो जो x माइनस वाई है जब आप इसको t सब्सिट्यूट करेंगे तो आपको dx माइनस वाई डायरेक्टली मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये मेथड क्या कहता है कि जो डिनोमिनेटर में हमारा टर्म आएगा उसको जैसे ही हम सब्सिट्यूट करेंगे तो वो हमारा ऊपर वाला रिप्लेस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो न्यूमरेटर है dx माइनस dy विल बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। तो मेथड का टाइप क्या हुआ, व्हेन न्यूमरेटर बिकम्स द एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। ऑलराइट, तो डिनोमिनेटर को जैसे ही आप टी सब्सिट्यूट करेंगे, जैसा हम इंटीग्रेशन में करते थे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, वही यहाँ पर हो रहा है, जैसे ही आपने x माइनस वाई को t लिया तो dx एक्स माइनस डी वाई रिप्लेस हो जाएगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी log ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू log ऑफ y माइनस सेट प्लस log c1, जस्ट हाउ टू इंटीग्रेट। ओके सो log x माइनस वाई माइनस log y माइनस जेड, इट विल गिव यू x माइनस वाई डिवाइड बाई वाई माइनस जेड इक्वल टू सी वन। ये आपका पहला सोल्यूशन ऑप्टेन हो गया। नाउ लेट अस लुक एट दस हाउ टू ऑप्टेन द सेकेंड सोल्यूशन। तो सेकेंड सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा, अब आप इन तीनों को फिर से ध्यान से देखेंगे, बिकॉज अगेन आई हैव टू चूज वॉट आर मल्टीप्लायर्स, है ना, सो आई कैन चूज मल्टीप्लायर अकॉर्डिंग टू दीज, तो y प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई। अगर आप इन दिनों को ध्यान से देखें तो अच्छा ये मेथड ये कह रहा है कि हमें डिनोमिनेटर में जो चाहिए उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल न्यूमरेटर बन जाए, तो क्या हम तीनों को ऐड कर सकते हैं,
तो जैसे हम तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऑलराइट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, ओके, डिवाइडेड बाई ट्वाइस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आप इनको इनको ले लीजिए या इनको इनको ले लीजिए, दोनों में से कोई भी डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। तो हमने मान लीजिए पहले और आखिरी को लिया, तो जब पहले और आखिरी को लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन, तो डी एक्स वाई ये हो जाएगा डी एक्स माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा डी ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई विद अ माइनस साइन ऑफकोर्स, ओके, एक्स माइनस वाई माइनस डी एक्स डी वाई डी जेड डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। फर्स्ट एंड लास्ट एक्सप्रेशन हमने कंसिडर किया, फ्रैक्शन पहला और तीसरा फ्रैक्शन को कंसिडर किया तो ये आया। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले प्लस कर देंगे और इसको जस्ट इंटीग्रेट कर देंगे, तो व्हाट दिस विल बिकम, देखिए ये ट्वाइस है तो मैं इसको यहाँ भेज सकता हूँ, दैट ट्वाइस लॉग एक्स माइनस वाई प्लस इसका टी, इसका सब्सटीट्यूशन, इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल ये बन गया, देयरफॉर लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ऑफकोर्स लॉग ऑफ सी टू, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। नाउ टू विल गो अप, देयरफॉर दिस विल बी इन प्रोडक्ट, दैट इज लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, बिकॉज लॉग ए प्लस लॉग बी दिस विल गिव यू लॉग ए इन टू बी। ऑलराइट, सो दिस वन विल बिकम लॉग सी टू। नाउ द फाइनल सोल्यूशन इज वॉट, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी टू। ठीक है, हमारे दो सोल्यूशन आ गए। अगेन ये तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हमने डिस्कस किया था कि एटलीस्ट यू एंड वी मस्ट कंटेन जेड, बट यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि दोनों ही जो है जेड को कंटेन कर रहे हैं, तो हमारा सोल्यूशन में किस फॉर्म का लिखेंगे, दैट इज एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस जेड कॉमा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऑलराइट, दिस विल बी इक्वल टू जीरो, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया। ओके, सो इस मेथड में हमने ये सीखा कि हमें मल्टीप्लायर तो यूज़ करने हैं, बस इसमें हमें ऐसे मल्टीप्लायर यूज़ करने हैं सच दैट जो डिनोमिनेटर का है, डिनोमिनेटर जो होगा उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल न्यूमरेटर बन जाए, तो जब भी ऐसा होगा हम ये मेथड आसानी से अप्लाई कर सकते हैं।